हाँ भाई, अब प्रॉब्लम नंबर 32 को देखो। आपसे कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता। देखो दो तरह के प्रिंसिपल हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर से आपने करंट पास कराई है, तो करंट पास होने की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड खुद की कॉइल से कट होना शुरू होता है, तो इसके खुद के अंदर भी एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, खुद ही इंड्यूस हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास एक कॉइल ये रखी है और इसके बराबर में आपने दूसरी कॉइल ये रख दी, इसके अंदर से आपने करंट पास कराई, करंट पास होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जब दूसरी वाली कॉइल से पास होती है या उसके अंदर चेंज होने शुरू हो जाती है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। और ट्रांसफार्मर कुछ इसी प्रिंसिपल वर्क करता है, क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी कॉइल्स भी होती हैं और उसके अंदर सेकेंडरी कॉइल्स भी होती हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कॉइल्स होती हैं, वो भाई जो दोनों कॉइल्स होती हैं सारी की सारी सॉफ्ट आयरन के कोर पर लिपटी हुई होती हैं। तो ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, ध्यान देना। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि उसके अंदर दो कॉइलें होती हैं, इसी वजह से म्यूचुअल की तरफ कहानी चली गई।